हेलो गाइस, वेलकम टू साइकोलॉजी आराम से। और आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए, हम फिजिकल वर्ल्ड में कई चीज़ें नाप सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट हो गया या वेट हो गया, बट साइकोलॉजी में किस तरह के स्केल्स होते हैं वो जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, अगर हम कोई भी बुक बात करती है तो चार स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ज़रूर बताती है। तो वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। अब नॉमिनल के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल स्केल का मतलब है जो सिर्फ नेम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे कि आप SPSS में डेटा एंट्री करते हैं तो मेल्स को आप 1 दे दीजिए, फीमेल्स को आप 2 दे दीजिए, तो आपने कैटेगराइज कर दिया। इसका मतलब सारे मेल्स को 1 मिलेगा, सारी फीमेल्स को 2 मिलेगा। अब जैसे जर्सी नंबर्स देख लीजिए आप, जर्सी नंबर्स, कोहली का जर्सी नंबर 7 है या सचिन का जर्सी नंबर 9 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सचिन कोहली आगे है सचिन से। इस जस्ट नॉमिनली वो उनको डिस्क्राइब कर रही है कि ये जर्सी नंबर का ये होल्डर है, ठीक है। तो ये नॉमिनल स्केल्स हैं, ये रिसर्च में काफ़ी तरह से इस्तेमाल होते हैं, SPSS में डेटा एंट्री में भी नॉमिनल स्केल्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम आते हैं ऑर्डिनल स्केल्स पे। अगर आप ऑर्डिनल स्केल्स की बात करें, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मगर इनमें एक जो स्पेशल फीचर एडेड हो जाता है वो होता है कि ये किसी ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपके क्लास में रैंक्स मिल रहे हैं बच्चों को, या रेस में रैंक्स मिल रहे हैं, तो जो बच्चा फर्स्ट आया दैट इज़ फर्स्ट रैंक, सेकंड तो सेकंड आया, थर्ड तो थर्ड, तो ये किसी ऑर्डर में भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंटरवल स्केल पे। तो इंटरवल स्केल में ऊपर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट ये इंटरवल, इस पर इक्वल अपेयरिंग इंटरवल्स होते हैं स्केल में, ठीक है। तो हम अब एक इक्वल अपेयरिंग इंटरवल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप डिग्रीज फ़ारेनहाइट देखेंगे तो 78 और 79 के बीच में जितना डिफरेंस है वो 31 और 32 के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होगा। अब थ्रू आउट स्केल में कॉन्स्टेंटली उतने डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं रेशो स्केल पे। रेशो स्केल्स सबसे टॉप क्वालिटी के स्केल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सारे फीचर्स होते हैं ऊपर वाले स्केल्स के, और इसमें एक जीरो भी प्रेजेंट होता है, प्लस इनका स्टार्ट पॉइंट जीरो होता है। अगर एक एग्जाम्पल लगे, हम हाइट का स्केल हो गया या आपका वेट का स्केल हो गया, ये जीरो से स्टार्ट कर होते हैं। एंड सेकेंड, इसमें प्रपोर्शन भी इक्वल होता है। अगर मान लो मैं 10 kg बोलूँ तो 10 kg 5 को, अगर 5 kg को मैं 2 बारी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 10 kg आएगा। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेशो स्केल में और इंटरवल स्केल में सबसे बड़ा डिफरेंस है। रेशो स्केल में अगर हम इंटू 2 करेंगे तो वो आता है 10 kg बन जाएगा, बट इसमें नहीं होगा। इसमें अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है एक दिन में तो वो 60 डिग्री नहीं बन जाएगा, वो 30 डिग्री ही रहेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इसमें कहाँ फॉल करते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो रिसर्चर्स कहते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कहाँ फॉल करते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑर्डिनल और इंटरवल के कहीं बीच में आते हैं, ठीक है। कुछ स्केल्स ऑर्डिनल भी होते हैं, कुछ स्केल इंटरवल भी होते हैं। ज़्यादातर स्केल साइकोलॉजी में इंटरवल होते हैं, बट द ट्रू रेशो स्केल्स आर नॉट इन साइकोलॉजी, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी में जीरो नहीं होता। किसी की इंटेलिजेंस जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। कोई किसी पर्सनैलिटी टाइप पे जीरो नहीं हो सकता। तो जनरली आप ये मान के चलिए साइकोलॉजी में जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं वो इंटरवल स्केल्स होते हैं। हाउएवर, ये भी एक चैलेंजिंग थिंग है कि वो इंटरवल स्केल्स होते हैं। अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करूँ तो 1 से 2 के बीच में जितना डिफरेंस है और 2 से 3 के बीच में जितना डिफरेंस है वो सेम ना हो। अगर सपोज कीजिए आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चनेयर भर रहे हैं, उसके 5 ऑप्शंस हैं, तो पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन के बीच में क्या इक्वली वो डिफरेंस है जो तीसरे या चौथे ऑप्शन के बीच में है? वो एक डिलेमा है जो रिसर्चर्स के सामने हमेशा रहेगा। बट आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी तरह हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे और क्रिटिकली आपको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब टू साइकोलॉजी आराम से।